नहीं वो है ही नहीं फारुकुल्ला, फारुकुल्ला है नहीं ये, फारुकुल्ला है ही नहीं, फारुकुल्ला है नहीं ये फारुकुल्ला। मैं गुजारिश करूंगा इरफान नकीब साहब को करूंगा कि राहुल गांधी जी को बुके पेश करेंगे। इरफान नकीब साहब कि राहुल गांधी जी को बुके पेश करेंगे। इरफान नकीब साहब मैं गुजारिश करूंगा निसार अहमद मंडू साहब को गुजारिश करूंगा कि वो राहुल गांधी जी को बुके पेश करें, कि वो राहुल गांधी जी को बुके पेश करें। मैं गुजारिश करूंगा आबिद कश्मीरी जी वो राहुल गांधी जी को बुके पेश करें। आबिद कश्मीरी जी वो राहुल गांधी जी को बुके पेश करें। मैं वली जी को गुजारिश करता हूं वो राहुल गांधी जी को बुके पेश करें। गुजारिश और इसके साथ ही गांधी जी को बुके पेश करें। इसके साथ ही मैं करण साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके करण साहब से गुजारिश करें और आगे की कार्रवाई जो है उसको आपके सामने रखें। करण साहब आगे की कार्रवाई जो है उसको आपके सामने रखें। करण साहब सबसे पहले राहुल गांधी जी को श्रीनगर की सरजमीन पे को दिल की अमीक गहराइयों से खैर मकदम कहता हूं तालियों के साथ। दिल की अमीक गहराइयों से खैर मकदम कहता हूं तालियों के साथ। राहुल जी शाल्टेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जैनकूट इलाके में हैं। यहाँ की पहचान इस इलाके की पहचान यहाँ की पहचान इस इलाके की पहचान और जो एचएमटी फैक्ट्री यहाँ के हजारों लोगों को फैक्ट्री यहाँ के हजारों घरों को उनके घर चलाती थी, रोजगार देती थी उनके घर चलाती थी, बदकिस्मती से रोजगार देती थी। एचएमटी फैक्ट्री बंद कर दी गई से वो एचएमटी यहाँ के लोग बंद कर दी गई। आपसे उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग ये पब्लिक सेक्टर हैं जो यहाँ कि ये पब्लिक रोजगार का एक बहुत बड़ा जो यहाँ मयस्सर करने का रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया था उसको हम लोग दोबारा से चालू करें ये आपसे तवक्को रखी जा रही है। जो आपके सामने ये लोग जमा हैं, जो आपके सामने ये खालिसन ये लोग जमा हैं आपके मदा हैं, प्योरली दे आर ट्रूली मदा हैं। योर फॉलोअर्स दे जस्ट लव यू दैट इज व्हाई दे हैव कम हियर। योर फॉलोअर्स दे जस्ट लव यू दैट इज व्हाई दे हैव कम हियर। बहरहाल वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। हम आज की आप लोगों के वास्ते और आप मैं अपनी तरफ से बात रखना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से एक शेर के जरिए मैं झुका नहीं मैं कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, कहीं छुप जो डटे हुए हैं महाज पर, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सबों में तलाश कर, मुझे उन सबों में तलाश कर। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे साबिका सदर गुलाम अहमद मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। गुलाम अहमद मीर साहब हमारे आपके और देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी
मंच पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और आपके जाने पहचाने उम्मीदवार तारिक हमीद करा साहब, मंच पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर भारत सिंह सोलंकी जी और मंच पर साबिका सदर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब और कांग्रेस और हमारे दूसरे साथी बहुत सारे मंच पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बटमालू शालटंग से आए हुए हमारे बुजुर्ग साथियों, नौजवान भाइयों और बहनों, आप सबका आज के इस इलेक्शन रैली में आपका बहुत बहुत स्वागत। टाइम ज्यादा नहीं है, आप काफी देर से यहां इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को सुनने के लिए हम तो इतनी गुजारिश करेंगे कि चुनाव 2024 ये अपने आप ये चुनाव नहीं आया। अगर नरेंद्र मोदी की बात चलती तो वो 2034 तक भी जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव नहीं देता। ये चुनाव जो बहुत कीमती वोट आप 25 तारीख को डालने जा रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट की काविशों से और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया अलायंस, इन्होंने जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को तंबे किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया जाना चाहिए, अपने नुमाइंदे मिलने चाहिए, ये राहुल जी की मेहरबानी से आज ये चुनाव आपके बीच में हो रहा है। इसलिए आपको दो एक बातों का खास ख्याल रखना है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। पिछले चुनावों में सड़क बिजली पानी के लिए वोट मांगते थे, इसमें भी वो इश्यू रहेंगे, मगर सबसे बड़ा इश्यू है क्या जम्मू कश्मीर में हमको भाजपा को पूरी तरह बसाना है या भाजपा से खदेड़ यहां जम्मू कश्मीर से खदेड़ना है। ये फैसला आपको तय करना है। अगर 10 साल के जुल्म जम्मू कश्मीर के नौजवान पर, जम्मू कश्मीर के आम इंसान पर जो इस नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने हमारे साथ किए हैं, हमारी स्टेट छीन ली, हमको जमीनों का हक छीन लिया, हमें नौकरियों का हक छीन लिया, आज सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस 90 में से कम 60-65 सीटें लेकर आए और जैसे असेंबली लगेगी सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन होगा हमारा स्टेट वापस करो, हमें जमीनों का हक वापस करो, हमें नौकरी का हक वापस करो। तो मैं बटमालू शालटंग के मेरे साथियों को पूछना चाहता हूं, जो जुल्म के खिलाफ 25 तारीख को वोट डालना चाहते हैं, जितने भी जुल्म हुए वो जरा हाथ खड़ा करो। इसमें देखो बीच में 3-4 लोग हैं, इनको शायद आराम मिला है इसीलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। जितने लोगों को जुल्म महसूस हुआ हाथ खड़ा करो। मैं एक नारा दूंगा उसका जवाब दो, जुल्म का बदला। सारे नहीं बोल रहे हो आप, जुल्म का बदला नहीं भी बोल रहे हैं अभी, वो सफेद टोपी वाला नहीं बोल रहा है अभी। जुल्म का बदला चारों तरफ आवाज आनी चाहिए, यही हमारी कैंपेन है। जुल्म का बदला। अगर मैं कहूंगा टॉफी का बदला, आप क्या बोलोगे? टॉफी का बदला, दूध का बदला। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं इरफान नकीब साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर से गुजारिश करूंगा कि हमने एक बुकलेट कंपाइल की है जिसमें हमने राहुल गांधी जी ने कश्मीर से मुतल्लक जब जब जो कुछ कहा है
वो हमने कंपाइल किया है और उसको हम सर्कुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं राहुल गांधी इज कश्मीर फेयरलेस एडवोकेट, ये कश्मीर के निडर वकील हैं राहुल गांधी, और उनके एजाज में हमने उन्होंने जब बार बार कहीं पे भी कश्मीर के बारे में बात की, उसकी एक बुकलेट बना के कंपाइल करके ये आपके सामने है। मैं इरफान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनमें आगे तकसीम करें। पहले राहुल जी व्यू पत्थर में हमारे चहेते लीडर हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में एक मसीहा मानने जाने वाले और जम्मू कश्मीर के लिए मखसूस तरीके से नजात दहिंदा जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं, राहुल गांधी जी, भरत सिंह सोलंकी जी, गुलाम अहमद मीर साहब, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, मोंगा साहब, सोज साहब और बाकी दीगर मेहमान और हमारे जो यहां के मुंतजमीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए ये खुशकिस्मती का मौका है, बिलखसूस शालटेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का मौका है कि राहुल जी ने बखुद आपके साथ बात करने की एक इच्छा दिखाई और आज वो आप लोगों के बीच में है। आप लोगों का और आप लोगों के जज्बात का, आप लोगों के एहसासात का, ख्वाहिशात का खुलासा करने वो बखुद आपके सामने आए हैं। आज जबकि इलेक्शंस हो रहे हैं, कहा जाए तो वहां पे थोपे गए हैं, राहुल जी ने श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर की नहीं अगर तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी शालटेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी के वास्ते मुझे चुना, आप लोगों की नुमाइंदगी करने के वास्ते। जैसा मीर साहब ने यहां बताया कि किन हालात में किन ताकतों के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है, आज हमारे पास एक मौका है। आज अगर हम चाहते हैं जो जुल्म, चाहे वो आईनी लेवल के हो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के हो, कानूनी लेवल के हो, इक्तसादी लेवल के हो, समाजी लेवल के हो, हत्ता के मजहबी लेवल के भी हो, अगर हम चाहते हैं कि इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम आवाज उठाएं और उन ताकतों को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बांट रखा है मजहब की बुनियाद पे, मस्जिद और मंदिर की बुनियाद पे, टोपी की बुनियाद पे, कपड़ों की बुनियाद पे, खान पान की बुनियाद पे, तो आज आपको वो मौका मिल रहा है। हम ऐसी ताकतों का जवाब जो देंगे वो डंडे से नहीं, वो पत्थर से नहीं, वो किसी और हथियार से नहीं, हम वो जवाब देंगे इस एक शहादत की उंगली से। इस शहादत की उंगली को जब हम 25 तारीख को बटन पे दबाएंगे तो आपका जवाब उन ताकतों को मिलेगा।
क्या आप लोग राहुल जी के हक में, कांग्रेस पार्टी के हक में और उनके चुनिंदा नुमाइंदे के हक में भरपूर तरीके से क्या आप उस उंगली का 25 तारीख को इस्तेमाल करेंगे? करेंगे। और साथ ही हम उन तमाम फस्ताई कुवतों को ये बात कह देना चाहते हैं कि आपका जुल्म हो गया, आपके जुल्म के दिन अब रोज बरोज घट रहे हैं। आज आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि हवा कहां की तरफ चल रही है, वही हवा राहुल जी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहां पैदल चल के आए, बारिश बर्फ गर्मी सर्दी और यहां आके उन्होंने जो आपके साथ बात की और जो इन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी हूं, वो आपका कश्मीरी भाई आपके सामने खड़ा। आज हम पे अब फर्ज बनता है कि उनके इस जज्बे को जो उन्होंने हम लोगों के लिए दिखाए, आप लोगों के लिए दिखाए, आज हम उनको तोहफतन भी कुछ देना चाहते हैं। तोहफतन जितनी ज्यादा कांग्रेस जहां पे लड़ रही है, अलायंस जहां पे लड़ रही है, अगर हम सब लोग मिलके 25 तारीख को निकल के बटन दबाएं तो राहुल गांधी जी की वो मेहनत जो उन्होंने हजारों किलोमीटर चल के करोड़ों लोगों से मिलके, आज राहुल गांधी को मसीहा क्यों समझा जाता है, नजात दहिंदा क्यों समझा जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पूरे मुल्क में जो पिछड़े हुए लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, रोजगार जो डेली वेजर्स थे और जो पिछड़े तमाम कुवतें थी उनके साथ जो रिलेट किया, उनकी बातें उनके साथ मिलके बैठे, उनकी मुश्किलात को समझा और राहुल गांधी उन सब के नुमाइंदे बने, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। आज राहुल गांधी हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां इस लुटी पिटी कौम के नुमाइंदे हैं, हमारे वकील हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द अज जल्द पूरे मुल्क की बागडोर संभालें। हम चाहते हैं जिस तरह तमाम मुल्क में तमाम पिछड़े हुए लोगों की जो जो आवाज है, वो आवाज राहुल गांधी बन के पूरी दुनिया में आवाज बन के आए। हम ज्यादा राहुल जी का सुनना चाहते हैं। राहुल जी ये जो लोग हैं इनके साथ हमारा रोज का रابطہ होता है, रोज की बात होती है, तो मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बात सुने। ये आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में यहां पे जमा हुए हैं। श्रीनगर में ऐसे बड़े कारण तुलसी कथा चुस कारण भी उत्सव कर, श्रीनगर में ऐसे जलसों की कोई रिवायत नहीं रही। 1987 से वो रिवायत टूट गई। पहले श्रीनगर हब ऑफ एक्टिविटी होता था, सियासत श्रीनगर से पूरे मुल्क में या पूरी स्टेट में जाती थी, लेकिन जो हालात हम लोगों ने यहां देखे, हम पिछले 40 साल से उनका मुकाबला कर रहे हैं और 1987 के बाद वो यहां के जलसे जुलूसों की रिवायत खत्म हो गई। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि 1987 के बाद ये पहली ऐसी गैदरिंग जमा हुई है श्रीनगर की सरजमीन पे, सिर्फ इस वास्ते कि वो राहुल गांधी को सुनना चाहते। जी खोल के इनके साथ बात कीजिए। मैं एजाजन अब राहुल जी से गुजारिश करता हूं कि वो आपके साथ आके बातचीत करें।
भरत सिंह सोलंकी जी, पत्थर भी पत्थर, जनाब तारिक हमीद कर्रा जी, जनाब गुलाम अमीन मीर जी, जनाब पीरजादा मोहम्मद सैयद जी, जनाब सलमान सोज जी, जनाब इरफान नकीब जी, दिव्या मदेरना जी, इंडिया अलायंस के सीनियर नेता, दोनों पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको, बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जो जनता है इनका काम है। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे, और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है, और यही हम करते जाएंगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था, मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना, मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीन कर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। यह आपके साथ हुआ है और यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपके लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया था।
और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले, आपके आपका जो हक है वो आपको वापस मिले और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए और मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बीजेपी पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें, और अगर ये आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं हम आपको आपका स्टेटहुड वापस देंगे, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका लोकतांत्रिक हक है और ये आपको वापस देना ही पड़ेगा। भाई और बहनों, कर्रा साहब ने अभी कहा कि यहां पे पहले एचएमटी की फैक्ट्री होती थी, पूरे देश में ऐसी फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बंद की हैं, प्राइवेटाइज की हैं। 2-3 अरबपतियों के लिए यह काम करते हैं, 25 लोगों के लिए इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए यह कर्जा माफ नहीं करते हैं, अरबपतियों के लिए ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। गलत जीएसटी लाए, नोटबंदी की, और जो छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेसेस थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, उन सबको इन लोगों ने बंद किया। नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कहीं भी ढूंढ लो, जम्मू कश्मीर में ढूंढ लो, बाकी हिंदुस्तान में ढूंढ लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। कोई भी डिग्री ले लो, कॉलेज की डिग्री ले लो, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मगर आपको रोजगार, नौकरी नहीं मिल सकती। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये इनकी पॉलिटिक्स है। और लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो, ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते, वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है, सही बोल रहा हूं ना? और जम्मू कश्मीर से उन्होंने सिर्फ आपका लोकतांत्रिक हक नहीं छीना, जो भी पहले आप डिसीजंस लेते थे, चाहे वो विकास के डेवलपमेंट हो, विकास के डिसीजंस हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, शिक्षा के डिसीजंस हो, स्वास्थ्य के डिसीजन हो, पहले ये सब आप लोग एमएलए चुनकर लेते थे, आजकल ये जो डिसीजंस है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजंस ले रहे हैं। यहां पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने एमएलए चुने, अपनी सरकार चुने और अपना विकास का काम जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें।
इसीलिए हम आपको स्टेटहुड वापस देना चाहते हैं। रोजगार के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि 1,00,000 सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5,00,000 रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहां पे 25,00,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। और हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेटहुड का है और हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी नहीं देगी तो हम आपको स्टेटहुड आपका देने जा रहे हैं। कर्रा साहब के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। जब लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे तब कर्रा साहब कांग्रेस पार्टी में आए थे और ये दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। इनको आप पूरा समर्थन दीजिए, इनको आप जिताइए और विधानसभा में पहुंचाइए। आप सबका, और आप जानते हो मेरी आपके लिए फीलिंग्स, आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ कहना है, आपको हुक्म करना है और मैं यहां आपके सामने यहां आ जाऊंगा। जो भी आप पार्लियामेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं आपकी तरफ से राहुल जी को, यहां से जो इनने कहा, अपने जज्बात बताए, अपना रिश्ता बताया, खून का रिश्ता बताया, प्यार का रिश्ता बताया, मोहब्बत का रिश्ता बताया, आप लोगों की तरफ से इनको, जो हमारे कश्मीरी भाई अधूरे हैं, उनको मैं पूरा यहां से कश्मीरी बना के भेज रहा हूं।